सीटें जीतेंगे, एकजुट हमारे लोग विधायक हैं और हमें इस बात का गर्व है कि पहले भी जो क्राइसिस है में जब साथ थे और कोई लोग आए ही नहीं जबकि करोड़ों में बात पड़ी थी, ये तो चुनाव हमारे राज्यसभा के चुनाव है तो वो कैसे उम्मीद करते थे कि ये हम लोग इनको तोड़ लेंगे। जवानों की समस्या है, जैसे रीट के लोगों की समस्या है, रीट 2016 वालों की भी समस्या है, अभी वालों की भी समस्या है और बहुत सुखी है इनम वगैरह की समस्या है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी चरम पर है। प्रदेश में कांग्रेस का शासन है, सीएम है अशोक गहलोत। 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को उतारा है, वहीं बीजेपी ने 1 उम्मीदवार को। लेकिन गहलोत के राज्यसभा वाले गणित में घमंजा करने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर पहुंच गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा। बिजनेसमैन चंद्रा ने पर्चा तो निर्दलीय भरा मगर पीछे से बीजेपी ने सिर पर हाथ रख दिया, जिससे अब चंद्रा जी अपना पलड़ा भारी होने का दावा कर रहे हैं। उधर कांग्रेस से नाराज और बीजेपी से नाता तोड़ चुके बेनीवाल ने भी खुलकर सुभाष चंद्रा को अपने 3 वोट दिलवाने का ऐलान कर दिया, तो चंद्रा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो अभी से ही अपनी जीत के दावे करने लगे। कांग्रेस की ये चिंता न केवल तीसरे उम्मीदवार बने प्रमोद तिवारी के चेहरे पर दिखने लगी है, बल्कि अशोक गहलोत के माथे की शिकन भी उनके टेंशन में होने का इंडिकेशन दे रही है। चुनाव के 10 दिन पहले से ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को लग्जरी होटल में बिठाना शुरू कर दिया। जो नाराज हैं उन्हें मनाने के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत भागम भाग करने लगे। संभावना यहां तक जताई जा रही है कि इन चुनावों के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। कांग्रेस को अपने तीसरे उम्मीदवार को जितवाने के लिए 15 अतिरिक्त वोट चाहिए। अब इन 15 अतिरिक्त वोटों के लिए मुखिया बने अशोक गहलोत ने निर्दलीय विधायकों से लेकर बीटीपी के विधायकों को भी साधना शुरू कर दिया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों माननीय विधायक आज मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने आदिवासी अंचल के विकास सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए क्षेत्र के युवा बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती हेतु आंदोलन चलाया था, जिसमें दुर्भाग्यवश काकर डूंगरी प्रकरण हो गया, 2 युवाओं की जान चली गई व इस घटना को लेकर पुलिस विभाग ने मुकदमे दर्ज किए, कई गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसे प्रकरणों में कई निर्दोष लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस प्रकरण में युवा रोजगार हेतु आंदोलनरत थे, कई युवाओं का सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन मुकदमे लंबित होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन सब मुद्दों पर बीटीपी विधायकों ने न्याय देने की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आदिवासी युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में पुनः निष्पक्ष जांच करवाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा व युवाओं को राहत प्रदान की जाएगी। आदिवासी क्षेत्र में विकास करना कांग्रेस पार्टी का हमेशा प्राथमिकता रही है। दोनों विधायकों ने विकास कार्यों की बात भी रखी है। डूंगरपुर जिले के विकास में कोई कमी सरकार नहीं रखेगी। प्रदेश में निर्दलीय विधायकों की संख्या 13 है। बीटीपी के 2 विधायक हैं, वहीं भाकपा के पास 2 तो आरएलडी के पास 1 विधायक, यानी कुल 18 विधायक हैं जिन पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा अपना दांव खेल रहे हैं। वहीं बहरोड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव तो ऐसे बोल रहे हैं मानो उन्हें न कांग्रेस पूछ रही है न बीजेपी से ही इनका संपर्क हुआ हो। ताज्जुब है। संख्या बल के आधार पर फैसला होगा और मैं तो सिंगल इंडिपेंडेंट MLA हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी आवश्यकता है भी नहीं किसी पार्टी को मेरे वोट की। अगर उनको आवश्यकता होती तो मैंने दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को, खुला ऑफर दिया था कि राजस्थान के बेरोजगारों के लिए 75% स्थानीय के लिए प्राइवेट एवं सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन किया जाए। और उसका कारण ये कि 23 राज्य हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिसमें राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी राजस्थान के युवा को नौकरी उन 23 राज्यों में नहीं मिल रही है। एक लेटर लिख दें कि अगर हमारी सरकार
भाजपा की राजस्थान में कभी आई तो हम बेरोजगार राजस्थान के युवाओं को 75% स्थानीय को आरक्षण देने का कानून बनाएंगे, या वो ट्विटर पे अपने जो भी उनका ऑफिशियल जो ट्विटर है उनका वेरीफाइड अकाउंट उस पे लिख दें नरेंद्र मोदी जी मैं उसी पे विश्वास कर लूँगा और वो जहाँ कहेंगे दिखा के उनको वोट देने को उनके कैंडिडेट को तैयार हूँ। वो नहीं करें तो मैंने यही सेम ऑफर राजस्थान सरकार के पास रखा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल अपनों की बगावत थी, जिसे माना जा रहा है कि सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार वाले लॉलीपॉप से सुलझा लिया है। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों में सिर्फ गुढ़ा को ही राज्य मंत्री बनाया गया। लाखन मीणा, दीपचंद खैरिया और जोगिंदर आवाना को बोर्ड आयोग में नियुक्ति मिली, वाजिब अली ने मना कर दिया। संदीप यादव को कुछ भी नहीं मिला। नाराजगी ये भी थी कि जो विधायक सरकार गिराने के लिए दिल्ली गए उनमें से 5 को मंत्री बनाया गया, लेकिन जिन 13 निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में विलय करने वाले 6 विधायकों ने सरकार बचाई उनमें से सिर्फ 1 को ही मंत्री बनाया गया। राज्यसभा के चुनावी संग्राम में जीत का दंभ दोनों ओर से भरा जा रहा है, मगर इस सियासी नाटक से असली पर्दा तो 10 जून को उस वक्त उठेगा जब विधायक मतदान करने जाएंगे और मतदान के नतीजे जनता के सामने आएंगे, तभी पता चलेगा जादू चला या फिर बाजीगरी काम आई। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।